आरती सिंह ने 5 साल बाद श्रावणी से की टीवी इंडस्ट्री में वापसी। अपने नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर कही ये बात। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह टीवी में धमाकेदार वापसी भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम आरती को बिग बॉस 13 में देखा गया था, जहां पर एक्ट्रेस ने खुलकर अपने स्ट्रगल पर बातचीत भी की थी। वहीं अब आरती ने टीवी की दुनिया में एक विलन के रूप में वापसी की है। एक्ट्रेस सीरियल श्रावणी में नजर आ रही हैं। सीरियल में आरती के कैरेक्टर का नाम चंद्रा है। इस रोल में आरती को फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब आरती स्क्रीन पर नेगेटिव रोल भी निभा रही है। आरती के साथ सीरियल में गौरिका सिंह भी नजर आ रही है। दोनों ने एक इंटरव्यू में अपने रोल के बारे में बातचीत भी की है। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने कैरेक्टर को महिला चाणक्य जैसा बताया। आरती ने कहा, चंद्रा किसी भी तरह सब कुछ हासिल करना चाहती है और वो जो चाहती है उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। चंद्रा महिला चाणक्य की तरह है। ये रोल मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है। मैंने कभी भी विलेन का रोल नहीं निभाया है और ये पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं हमेशा स्वाभाविक रूप से कैरेक्टर से जुड़ जाती हूँ। ऐसे में मुझे ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा मैं लखनऊ से हूँ और सीरियल कहानी भी यूपी पर ही बेस्ड है, इसलिए बोली और शैली को चुनना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके आगे आरती सिंह ने ये भी बताया और कहा, मैंने कभी भी विलन का रोल नहीं निभाया है। मेरा कैरेक्टर स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। टीम की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस बहुत ही अच्छा है। मैं मेकर्स और डायरेक्टर को जानती हूँ, उन्होंने पहले भी काफी अच्छे काम किए हैं। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से मैंने शो के लिए हाँ किया। मैं अच्छे लोगों के साथ काम करना ही चाहती थी। वेल, आप आरती सिंह को वापस से टीवी इंडस्ट्री में देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।